हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था प्लांटी किंगडम में, किंगडम प्लांट में क्या हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था एल्गी के बारे में। ओके, उसमें अपन ने बात किया था क्लोरोफाइसी, पीओफाइसी, ओके, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं थर्ड जो आपका है वो है रोडोफाइसी। ओके, एल्गी का क्लास ये है रोडोफाइसी, इसको क्या बोलेंगे, रोडो स्टैंड्स फॉर रेड। ओके, तो ये क्या, इसका कॉमन नेम क्या है, रेड एल्गी। ओके, इसको और भी क्या बोला जाता है रेड एल्गी को, और कॉमन नेम में क्या बोल सकते हैं, कॉमन नेम इसका सोई एल्गी, यानी कलरफुल रहता है इसलिए इसको सोई एल्गी यानी दिखावे वाला एल्गी इसको बोल सकते हैं। ओके, और इसका क्या बोल सकते हैं, ये डीप सी में होता है डीपेस्ट, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डीपेस्ट एल्गी, यानी कि सबसे लो जो हाइट, मतलब कि सी के अंदर में सबसे डीप में कौन रहेगा, ये रेड एल्गी रहेगा, डीपेस्ट एल्गी। ओके, तो इसका कॉमन नेम हो गया, और रोडो स्टैंड्स फॉर रेड, इसलिए इसको रेड एल्गी बोला जाता है। डन, इसमें अपन डिस्कशन करेंगे कैरेक्टर के बारे में, इसका बात करेंगे। ओके, वन बाय वन राइट डाउन करते जाओ पॉइंट के फॉर्म में। पहला इसका पॉइंट जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा इसमें प्रेजेंट होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ओके, इसमें कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल डी प्लस कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स। इसका जो रेड कलर जो भी अपीयरेंस आएगा वो इसी पिगमेंट के कारण आएगा। ओके, इसमें भी फाइकोबिलिन्स में दो होगा प्रेजेंट, एक होगा क्या आर फाइकोसाइनिन, और दूसरा क्या होगा आर फाइकोइरिथ्रिन। ओके, ये जो फाइकोसाइनिन जो है, ये वाला साइनिन स्टैंड्स फॉर ब्लू, ये कौन सा कलर देगा, ब्लू। ओके, और इरिथ्रिन स्टैंड्स फॉर रेड। ओके, तो ये जो दोनों में इंटरचेंजिंग होगा दोनों का, जैसे कि ब्लू से ये रेड में चेंज हो जाएगा। ओके, और रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा ये, इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, गैडिकोव इफेक्ट, ये रेड एल्गी में देखा जाएगा, गैडिकोव इफेक्ट, यानी जो ये आर फाइकोसाइनिन जो है ब्लू कलर से, ब्लू कलर से चेंज होगा कहाँ पे, रेड में, और रेड से चेंज हो जाएगा ब्लू में। ओके, तो ये दोनों जो चेंज होगा, इंटरचेंज ऑफ कलर, तो ये इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे अपन, गैडिकोव इफेक्ट। डन, तो ये हम लोगों ने देखा ये किस में होगा, रेड एल्गी में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बाद सेल वॉल किस मटेरियल का बना होगा, इसका सेल वॉल जो है वो बना हुआ रहेगा किस मटेरियल का, मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल वॉल, इसमें मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल वॉल। ओके, मटेरियल कौन सा रहेगा, सेल्यूलोज प्लस पॉली
सल्फेट ईस्टर। ईस्टर डन। इसमें सेलुलोज तो कॉमन है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है इसमें पॉलीसल्फेट ईस्टर सेल वाल में। ओके नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व फूड मटेरियल। किस फॉर्म में रहेगा रिजर्व फूड इसका? फ्लोरिडियन स्टार्च। डन। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्लोरिडियन स्टार्च। यहाँ पे जितना भी तीनों क्लास के बारे में अपन ने बात किया था, रिजर्व फूड इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी बेस्ड पे आता है, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी या फियोफाइसी। ओके ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो किसके सिमिलर होगा? सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। एंड ग्लाइकोजन। ओके यानी कि जो फंक्शन एमाइलोपेक्टिन करेगा और ग्लाइकोजन करेगा, सेम फंक्शन वो फ्लोरिडियन स्टार्च यहाँ पे करने वाला है। ओके ये अपन का रिजर्व फूड मटेरियल हो गया रेड एल्गी का। डन। नेक्स्ट पॉइंट, थैलस इसका किस तरह का होगा? थैलस जो होगा वो मल्टी सेलुलर, मोस्टली मल्टी सेलुलर। ओके और फॉर्म कैसा होगा थैलस का? इस तरीके का होगा। डन। ये हो गया इसका थैलस, और ये स्ट्रक्चर बनेगा पॉन्ड्स कहलाएगा, ये फ्रॉन्ड। ओके ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो फ्रॉन्ड होगा, और ये तरह ये इस तरीके का भी बनेगा इसका। ब्रांच ब्रांच के फॉर्म में भी रहेगा, एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, आप वहाँ पे देख लेना इसको। डन। ये हो गया इसका मेन एक्सिस, ओके और ये वाला पार्ट ब्रांच। ये ब्रांचेज। ओके तो ये जो उसका थैलस का स्ट्रक्चर हो गया। डन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट थैलस के बाद क्या होगा? रिप्रोडक्शन। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। इसमें ये रिप्रोडक्शन कितने तरीके का इसमें करेगा? सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, दो फॉर्म होगा रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। एंड सेक्सुअल। ओके सेक्सुअल में क्या ये करेगा? सेक्सुअल में जो है वो इसका फॉर्म किस तरीके का होगा? नॉन मोटाइल स्पोर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे करेगा? वो नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू। ओके और सेक्सुअल जो है वो किसके फॉर्म में करेगा? वो ये नॉन मोटाइल गैमेट। गैमेट। ओके यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में, स्पोर यहाँ पे स्पोर फॉर्म में आएगा, यहाँ पे आएगा गैमेट। ओके सेक्सुअल में गैमेट और एसेक्सुअल में क्या फॉर्म आ रहा है इसका? स्पोर का। डन। और ये जो नॉन मोटाइल गैमेट है ये किस फॉर्म में रहेगा?
ये विथ नॉन मोटाइल गैमेट यहाँ पे, और स्ट्रक्चर क्या करेगा वो उगैनी, ओके उगैमी जो है वो, यानी कि ये जो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उगैमी में क्या होगा, ये दोनों मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल गैमेट डिस्टिंक्ट होगा यानी डिफरेंट होगा, ओके और आइसोगैमी में क्या था, सेम साइज का जो गैमेट था, ओके यहाँ पे ओगैमी में क्या होगा, डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल गैमेट, डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट होगा, मेल भी और फीमेल दोनों का गैमेट कैसा होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, एक जैसा नहीं मिलेगा। और एनिसोगैमस में क्या था, मेल का गैमेट जो था वो मोटाइल था और छोटा था, और फीमेल का नॉन मोटाइल और बड़ा, ओके यहाँ पे पॉइंट लिखो इसके कि ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, विथ पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, ओके पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के साथ ये नॉन मोटाइल गैमेट जो है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल में आएगा, डन। नेक्स्ट इसका एग्जांपल, एग्जांपल यहाँ पे इसको लिखो, रेड एल्गी का एग्जांपल, पहला फर्स्ट एग्जांपल पॉलीसाइफोनिया, नेक्स्ट बैट्रैको स्पर्मम, ओके इसका कलर कैसा रहेगा, बैट्रैको स्पर्मम का ओलिव ग्रीन कलर, यानी ओलिव का जो लीफ रहता है उस तरह का वो ग्रीन होगा, ग्रीन कलर, डन। और ये जो है फ्रेश वाटर, इसका हैबिटेट कैसा रहेगा, फ्रेश वाटर में, बाकी जितने का हैबिटेट जो है वो कहाँ पे रहेगा, वो मेराइन में भी होगा, साल्टी में होगा, ये एक्सेप्शन हो गया, यानी ये फ्रेश वाटर में रहेगा, बाकी जितना भी है इसका तो सब कॉमन कहाँ पे रहेगा, वो मेराइन वाटर में रहेगा या फिर साल्टी वाटर में, डन। नेक्स्ट एग्जांपल ग्लाइडेलम, ग्लाइडियम एंड ग्लिसेरेलिया, ग्लिसेरेलिया, ओके। नेक्स्ट और ये जो ग्लाइडेलम और ग्लिसेरेलिया जो है ये दोनों क्या फॉर्मेशन करेगा, फाइकोकोलाइड, ओके फाइकोकोलाइड में क्या फॉर्मेशन करने वाला है, ये अगार अगार, ओके और ये जो है वो किस में आएगा, इसका यूज क्या होता है, इंडस्ट्रियल यूज इसका क्या होता है, अगार अगार का इंडस्ट्रियल यूज क्या होता है, ग्रो माइक्रोब्स ग्रो, ओके। नेक्स्ट माइक्रोब के अलावा आइसक्रीम, आइसक्रीम मेकिंग में इसका कॉमर्शियल यूज यहाँ पे हम लोगों ने देखा, अगार अगार, ओके माइक्रोब्स को ग्रो करेगा और आइसक्रीम मेकिंग में यूज करे, ये यूज इसका हो गया, ओके यूज, डन। और फाइकोकोलाइड जो है वो कौन फॉर्म करेगा, ग्लाइडेलम और ग्रिसिलेरिया, ओके और बैट्रैकोस्पर्मम जो है वो ओलिव ग्रीन कलर का रहेगा, फ्रेश वाटर ये एक्सेप्शन है इसका,
यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाकी जितना भी होगा वो सब होगा वो मेराइन वाटर में रहने वाला। ओके कॉन्ड्रस क्रिस्पस, नेक्स्ट एग्जांपल कॉन्ड्रस क्रिस्पस, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये हो गया आयरिस मोस। ये जो आयरिस मोस है ये क्या फॉर्म करेगा, पहले तो ये फॉल्स मोस हो गया कंप्लीट, ये ट्रू मोस मोस नहीं है, फॉल्स मोस। देन ये जो फॉर्म करेगा ये कैराजीन, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क करो, कॉन्ड्रस क्रिस्पस कैराजीन। कैराजीन जो फॉर्म करेगा, और कैराजीन का जो मेन फंक्शन क्या है, ये फाइकोकोलाइड ये भी है, डन, हाइड्रोकोलाइड इसको बोल सकते हैं, तो फंक्शन क्या होता है हाइड्रोक्लोराइड का, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, यानी वाटर को होल्ड करने की क्षमता कैपेसिटी ज़्यादा होता है इसमें, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। ओके तो ये हम लोगों ने देखा क्या इसका एग्जांपल, और जो रेड एल्गी का जो मेन हैबिटेट क्या है, यहाँ पे नोट में लिख लो इसको, हैबिटेट मोस्टली मेराइन या सॉल्टी वाटर। एक्सेप्शन में कौन सा है, एक्सेप्शन अपन यहाँ पे क्या देखे थे, बैट्रेको स्पर्मम, बैट्रेको स्पर्मम जो था वो कहाँ पे रहने वाला था, फ्रेश वाटर लिविंग। ओके ये फ्रेश वाटर ओके okay? ये हम लोगों ने देखा क्या रेड एल्गी का पूरा डिटेल कंप्लीट, और एनसीईआरटी आप रीडिंग लगाना जरूर, 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी। ओके और अभी जो ये अभी पढ़ाया गया समझाया गया इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, डन। और भी प्लांटी किंगडम का जो भी सीरीज है अभी और आने वाला है, अभी आएगा आगे। ओके मिलते हैं फिर अगले वीडियो अगले लेक्चर में, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।